हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है तुहाडे सारेयां दा तुहाडे इस अपने चैनल स्टडी पॉइंट 44 दे विच। हाँ जी, अज आपां इस वीडियो दे विच पंजाबी व्याकरण नाल रिलेटेड टॉप MCQ कवर करांगे। हाँ जी, ये वीडियो तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल साबित होण वाली है। सो सारे विद्यार्थियों नूं रिक्वेस्ट है, तुसीं इस वीडियो नूं पूरे ध्यान नाल अते एंड तक जरूर देखना है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सो वीडियो नूं शुरू करन तो पहला जिहड़े विद्यार्थी अपने इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल नूं हुणे ही सबसक्राइब करके नाल ही बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर लवो तां जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस तों अलावा जेकर तुसीं अपने कोलों स्टडी नोट्स लैना चाहुंदे हो तो तुसीं मैनूं इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9517344544। इस नंबर पर तुसीं मैनूं डायरैक्ट कॉल भी कर सकते हो जां WhatsApp के थ्रू तुसीं मैनूं मैसेज भी कर सकते हो। तो स्टडी नोट्स रिगार्डिंग जिहड़ी इनफॉर्मेशन है तुहानूं प्रोवाइड करवा दित्ती जाएगी। बाकी तुसीं वीडियो नूं लास्ट तक देखना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये अपना पंजाबी व्याकरण का फर्स्ट पार्ट रहेगा, इस अगे आप कंटिन्यू करांगे। फर्स्ट आप क्वेश्चन देख लेंदे हाँ। हाँ जी, भाषा के मुख किन्ने अंग होंदे हन? पहला तुसीं रे क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड दे विच जरूर सोचना है। तो यह तो जिहड़ा अपने कोल सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। भाषा के मुख चार अंग होंदे हन, इहदे बारे मैं तुहानूं दस दिंदा। एक हुंदा अपने कोल धुनी बोध, एक अपने कोल हुंदा शब्द बोध, फिर जेकर आपां गल करिए अपने कोल आउंदा वाक बोध, एंड लास्ट ते अपने कोल आउंदा अर्थ बोध। तां भाषा के किन्ने अंग होंदे हन? भाषा के चार अंग होंदे हन। तो इत्थे सी अपने कोल सही आंसर बन जाएगा। तो इस गल नूं तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना। बाकी मैं तुहानूं ये इनफॉर्मेशन दसना चाहुंदा जी, जिन्ने भी क्वेश्चन सिलैक्ट किए गए हैं जिहड़े अपने कोल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों बुक्स प्रोवाइड की जाएँ ग्रामर दियां, तां उन्हां विचों लै गए हैं। तो हुण आपां नैक्सट देखते हैं, यानी कि कोई भी मिसटेक इहदे विच नहीं है। हेठ लिखियां दे विचों किहड़े शहर विच माझी उपभाषा बोली जाती है? लाहौर, सियालकोट, उपरोक्त दोनों, जां बहावलपुर। हाँ जी, इहदा जिहड़ा अपने कोल सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। हाँ जी, माझी जिहड़ी उपभाषा है ये लाहौर दे विच बोली जाती है, सियालकोट विच बोली जाती है। तो इत्थे अपने कोल सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जो कि पाकिस्तान दे विच पैंदे हन। वैसे तुहानूं पता होगा जिहड़ी माझी उपभाषा है ये अपने पंजाब के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट दे विच बोली जाती है। किन्ने डिस्ट्रिक्ट दे विच बोली जाती है? 4 डिस्ट्रिक्ट दे विच बोली जाती है। जेकर आप एग्जाम्पल की गल करिए जिवें कि अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हो गया, पठानकोट ते तरन तारण, तो इन्हां डिस्ट्रिक्ट दे विच माझी उपभाषा बोली जाती है। तो इत्थे सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। हुण आपां नैक्सट मूव करते हाँ। हाँ जी, माझी उपभाषा इत्थे अपने कोल गल आई है, माझे का अर्थ है मध जां विचकार दा इलाका। माझा खेतर रावी अते ब्यास दरिया दा विचकारला हिस्सा है। तुहाडे कोल एग्जाम च क्वेश्चन पूछा जा सकदा है रावी अते ब्यास दरिया दे विचकारले खेतर नूं की कहा जांदा है, तो तुसीं उत्थे आंसर टिक करके आउणा है माझा। माझे दे विच आउण वाले पंजाब दे जिले किहड़े किहड़े हन? अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर ते पठानकोट। तो इन्हां डिस्ट्रिक्ट दे विच जिहड़ी माझी है वह उपभाषा बोली जाती है। सो जिन्ने भी इत्थे पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਮਲਵਈ। ਮਲਵਈ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਐਡ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਆਬੀ ਵੀ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ?
सो गल की जा रही है पाली भाषा की, तो यदा अपने को जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा अपने को ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोठोहार। पोठोहार जड़ा इलाका है तो यह पाली भाषा का विद्यक केंद्र सेगा, तो डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आह भी क्वेश्चन एग्जाम रिपीट हो जाता है तो इसमें ध्यान में रखना है। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी, पहाड़ के पैरों का इलाका किहड़े खेत्र नूं कहा जाता है? पुआध, पोठोहार, माझा जां दुआबा? हाँ जी, पहाड़ के पैरों का इलाका कहा जाता है पुआध नूं, तो यह बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हुण जेकर आपां पुआध की उपभाषा की गल करिए, पुआध की जिहड़ी उपभाषा है ये बोली जाती है खरड़ वाली साइड, इस तों अलावा पटियाले का जिहड़ा अपने कोल पछमी हिस्सा हो गया, पटियाले का पछमी हिस्सा हो गया, इस तों अलावा रोपड़ वाली साइड एंड श्री आनंदपुर साहिब वाली साइड, तो इधर पुआध की उपभाषा जिहड़ी है बोली जाती है। तो यह कुछ इलाके हैं, तो इन्हों ध्यान में रख सकते हो, अपने को एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। नैक्सट आप देखते हैं, पाकिस्तान देश के सब तो वध बोली जाने वाली उपभाषा किहड़ी है? मुल्तानी, डोगरी, पुआधी, पोठोहारी? हाँ जी, पाकिस्तान जिहड़ा देश है तो इत्थे सब तो वध बोली जाने वाली जिहड़ी उपभाषा है वह है मुल्तानी, तो यह बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तानी। नैक्सट आप देखते हैं, दुआब किहड़ी भाषा का शब्द है? दुआब, फारसी, अरबी, संस्कृत ज इन्हां दे विच्चों कोई भी नहीं? हाँ जी, दो दरियावां दे विचकारले हिस्से नूं कहा जाता है दुआब, तो दुआब जिहड़ा ये फारसी भाषा का शब्द है, तो यह बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम रिपीट होंदा है। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी, दुआब बारे, सतलुज और ब्यास दरिया के विचकारले हिस्से नूं दुआबा कहा जाता है? दुआबे विच आने वाले शहर किहड़े किहड़े हन? जलंधर हो गया, कपूरथला, हुशियारपुर, भगत सिंह नगर यानी कि नवांशहर, तो यह जिहड़े इलाके हैं ये अपने कोल आते हैं दुआबे दे विच, तो इन्हां नूं तुसीं ध्यान में रखना, इत्थे दुआबी उपभाषा बोली जाती है। नैक्सट आप देख लेंदे आ, हाँ जी, डोगरी भाषा का मुख्य केंद्र किहड़ा? क्वेश्चन पूरे ध्यान नाल पढ़ना है, मुख्य केंद्र की गल की जा रही है। हाँ जी, यदा अपने को जोड़ा सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू। वैसे तो तुम्हें पता होगा डोगरी जी उपभाषा है ये कांगड़े विच भी बोली जाती है, तो जम्मू विच भी बोली जाती है, बाकी इतने गल आई है मुख्य केंद्र की, तो फिर तुम आंसर टिक करके आना है जम्मू। जो भी एग्जाम एवें क्वेश्चन बनेगा डोगरी भाषा का मुख्य केंद्र किहड़ा, तो तुम उत्थे आंसर टिक करके आना है जम्मू, ना कि कांगड़ा। वैसे तो कांगड़े विच भी बोली जाती है, बट प्रैफरेंस देनी तुम जम्मू नूं, तो इतने सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट, किहड़ी उपभाषा लम्मा समा पंजाब की उपभाषा मनी जाती है? मलवई, पोठोहारी, डोगरी जां दुआबी? सॉरी, किहड़ी उपभाषा लंबा समा पंजाबी की उपभाषा मनी जाती है? तो फिर तुसीं आंसर टिक करके आना है डोगरी, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा, डोगरी जिहड़ी उपभाषा है ये लंबा समा पंजाबी की उपभाषा मनी जाती, तो सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट, पंजाब दे विच जिहड़ी उपभाषा सर्बसांझी वरती जाती है उसनों नाम दिता गया है टकसाली, म्यारी, उपरोक्त दोनों जां सर्बसांझी उपभाषा? हाँ जी, यदा अपने को जोड़ा सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों, टकसाली और म्यारी। पंजाब दे विच जिहड़ी उपभाषा सर्बसांझी वरती जाती उसनों टकसाली जां म्यारी भाषा कहा जाता है, तो सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नैक्सट, पंजाब की किहड़ी उपभाषा नूं टकसाली भाषा का दर्जा दिता गया है? तो पंजाब की जिहड़ी माझी उपभाषा, तो इस नूं टकसाली भाषा का दर्जा दिता गया, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा, माझी उपभाषा। नैक्सट आप देखते हैं, बोलन वेले व्यक्ति के मूँह विच्चों जिहड़ियां सार्थक आवाज़ां निकलदियां हन कहा जाता है? भाषा, बोली, तुनी जां सारे? इहो जिहे जदों क्वेश्चन एग्जाम च पुछ ले जांदे तां बच्चे अक्सर ही उत्थे कन्फ्यूज़ हो जांदे हन, तो क्वेश्चन पूरे ध्यान नाल पढ़ना है, बोलन वेले व्यक्ति के मूँह विच जिहड़ियां सार्थक आवाज़ां निकलदियां हन तो उसनों धुनी कहा जाता है, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा, उसनों धुनी का नाम दिता जाता है, तो सी इत्थे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट आप देखते हैं, धुनी नूं कुल किन्ने तरीकों के नाल समझा जा सकता है? हाँ जी, दो, तीन, चार, पाँच?
ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਗੇ। ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3। ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੋਨੀ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕੁੱਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5, 7, 9 ਜਾਂ 10? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 10। ਤਾਂ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕੁੱਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 10। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲ ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਊੜਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆੜਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈੜੀ। ਤਾਂ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 10। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 1, 2, 3 ਜਾਂ 4? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਵੇਟ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3, 4, 5 ਜਾਂ 7? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, 3। ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 3, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾਹ ਲੱਗਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਾਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ, ਊੜੇ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਈੜੀ ਲਾਂ, ਐੜੇ ਦਲਾਂ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਅਤੇ ਊੜੇ ਕਨੋੜਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 7, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 3। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 7। ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 3। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਤਾਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੱਸੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਤਾਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਵਾ। ਵੱਵਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਲਵੀ ਹਨ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੰਠੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਲਵੀ, ਉਲਟ ਜੀਬੀ, ਦੰਤੀ, ਹੋਂਠੀ ਅਤੇ ਸੁਰਯੰਤਰੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ
सुरयंत्री धुनी विच रख्या गया है। हाँ जी, सुरयंत्री धुनी कि है हा हा, तो यह बिल्कुल सही आंसर होगा। हा हा जी है तो इसनों सुरयंत्री धुनी के रख्या गया, तो यह बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नैक्सट आप देखते हैं पंजाबी भाषा की किड़ी धुनी स्वर विच तब्दील होने की समर्था रखती है। हाँ जी, यदा अपने को जड़ा वेट, हाँ जी यदा जो अपने को सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों यया तो वोवा जी धुनिया हैं ये अपने को स्वर विच तब्दील होने दी समर्था रखदियां हन, तां सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आ क्वेश्चन एग्जाम च बहुत बार रिपीट हुंदा है, तां इस नूं तुसीं ध्यान विच रखना है। बाकी जेकर आपां गल करिए इन्हां नूं अर्ध स्वर धुनियां भी कहा जाता है, यया ते वोवा जिहड़ा है इन्हां नूं अर्ध स्वर धुनियां भी कहा जाता है। ठीक है, तां सी इत्थे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट हेठ लिखियां दे विचों किहड़ी धुनी नूं अर्ध स्वर धुनी भी कहा जाता है। सो गल की जा रही है अर्ध स्वर धुनी की, तो यह अपने को जोड़ा सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों बी और सी दोनों, यानी कि हा हा सॉरी यया तो वबा, यया तो वबा जी दुनिया हैं इन्हों अर्ध स्वर दुनिया भी कहा जाता है, तो डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। वैसे तो रारा भी अर्ध स्वर दुनिया, क्योंकि यह भी किसी के पैर विच पाई जा सकती है। ठीक है, नैक्सट आप देख लेंगे पंजाबी भाषा के किड़े व्यंजन संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। सो गल की जा रही है संघर्षी व्यंजन की। हाँ जी, यदा अपने को जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ससा। ससा जी धुनी है तो इसनों संघर्षी व्यंजन के रखा गया, तो डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट पंजाबी भाषा के नासकी व्यंजनों की गिनती कितनी है, नासकी जां अनुनासकी व्यंजन। हाँ जी, अपनी पंजाबी भाषा के नासकी जां अनुनासकी जिहड़े व्यंजन उन्हां दी गिनती है पंज, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नासकी व्यंजन होंदे हन जिन्हां नूं बोलण समय नक विचों आवाज़ निकलती है, जिवें कि नन्ना हो गया, मम्मा हो गया, नाना हो गया, तो यह अपने कोल कुछ नासकी व्यंजन दीआं एग्जाम्पल हन। अगे तुसीं नासकी व्यंजन देख भी सकते हो। अजोकी पंजाबी भाषा के किन्ने व्यंजनों के नाल कोई भी शब्द शुरू नहीं हुंदा, पंज, चार, छे जां सत। हाँ जी, इत्थे गल की जा रही है जी हुण दे अपनी पंजाबी है, तो उन्हां विचों इदा अपने को सही जिहड़ा आंसर बनेगा बनेगा चार, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा चार। हाँ जी, जिन्हां नाल कोई शब्द शुरू नहीं, तां अपने को पंज सॉरी आंसर बनेगा, तां पंज चार नहीं पंज बनेगा, ए सही आंसर बनेगा पंज। अगे आपां देख लैंदे आ व्यंजन दुनिया अनुनासकी व्यंजन, इत्थे तुसीं देख सकते हो इन्हां दी गिनती है पंज। ठीक है, जिन्हां नाल कोई शब्द शुरू नहीं हुंदा वह भी तुसीं इत्थे देख सकते हो, इन्हां दी गिनती है एक, दो, तीन, चार अते पंज। अनुनासकी व्यंजनां दी गिनती भी पंज है, एंड जिन्हां नाल कोई शब्द शुरू नहीं हुंदा तां उन्हां दी गिनती भी है पंज। फटकड़वां जिहड़ा व्यंजन है वह है डाड़ा, अते कंबवां विच जिहड़ा व्यंजन है वह है रारा, तां इन्हां नूं भी तुसीं ध्यान विच रखना है। बाकी जेकर आपां गल करिए आ जिहड़ी धुनी है लल्ले पैर बिंदी, इहदी खोज किसने कीती है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने यह जिहड़ी धुनी है फाइंड कीती है लल्ले पैर बिंदी। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं तो इन्हों तुसी ध्यान विच जरूर रखना है। सो इस दे नाल ही अज की अपनी ये वीडियो इत्थे समाप्त हुंदी है। सो उम्मीद करदा कि ये वीडियो तुहानू बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल लगी होगी। सो प्लीज़ एक बार इस वीडियो तुसी वध तों वध शेयर जरूर करना है, एंड जिहड़े विद्यार्थियों ने चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया होया तां प्लीज़ चैनल नूं भी तुसी जरूर सबसक्राइब कर लेना है, अते नाल ही बैल आइकन ते प्रेस करके ऑल बटन ते भी जरूर क्लिक कर लेना है, ता जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानू टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी जेकर तुसी अपने को स्टडी नोट्स लैना चाहते हो तो तुसी मैंने इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9517344544, इस नंबर पर तुसी मैंने डायरैक्ट कॉल भी कर सकते हो, जां व्हाट्सएप के थ्रू तुसी मैंने मैसेज भी कर सकते हो, तो स्टडी नोट्स के रिगार्डिंग जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वह तुहानू प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस तो अलावा जेकर आप गल करिए जिहड़ियां अपने कोल होर वीडियोज़ हैं पंजाबी ग्रामर रिलेटेड वो भी थोड़ा प्रोवाइड करवाईया जाएगियां। अज आप 25 MCQ कवर किए सन, तो इन लगभग अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अगे आप इसनों कंटिन्यू रखांगे, यानी कि अगे आप 26 तो लैके 50 तक क्वेश्चन कवर करांगे नैक्सट वीडियो के लगभग जी ग्रामर है उतनों सारी
प्रोवाइड करवा दी जाएगी एम सी क्यू की फॉर्म के। बाकी तुसी थ्यूरी एक बार जरूर पढ़ लेना, थ्यूरी पढ़ के जो तुसी एम सी क्यू लगाते हो तो फिर थोड़ा पता लगता कि साडा लैवल किन्ना को है। इन्हों इन एम सी क्यू एक मोक टेस्ट की तरह भी लगा सकते हो। तो हूँ आप वीडियो इतें ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो के। थैंक यू।